तो वेल जरा सोचिए, आप सुबह उठे हो और आपको चारों तरफ से AI मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे हम आसान शब्दों में रोबोट्स भी कहते हैं, उन्होंने हमला करना शुरू कर दिया है और वो धीरे धीरे से आपके अपनों को मार के दुनिया में राज करने की मंशा लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो वेल सोचिए उस टाइम का मंजर कितना ज्यादा डरावना होगा, क्योंकि एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसे इंसानों के द्वारा ही विकसित की गई हो, लेकिन उसमें सोचने और विचार करने की प्रोग्रामिंग कर दी गई, जिससे अब वो और भी ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं। और जिस तरह से हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, जहाँ पे हर काम को आसान करने के लिए AI का सहारा लिया जा रहा है, तो इसे अगर एक कदम आगे कर दिया जाए तो शायद पॉसिबल भी है कि वो हमसे ज्यादा पावरफुल होने के बाद दुनिया में राज करने की मंशा को लेकर इंसानों का खात्मा करना शुरू कर दें। और शायद आपको नहीं पता होगा, मगर हमारे कुछ देशों ने इस टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने के लिए ऑलरेडी कुछ ऐसे रोबोट्स तैयार कर भी लिए हैं, जिसकी सोच इंसानों को खत्म करके इस दुनिया में और भी AI रोबोट्स बना के इस दुनिया में AI का राज करने के लिए है। तो वेल, अब आप सोचते होंगे क्या ये सच में पॉसिबल है, और क्या AI की टेक्नोलॉजी बढ़ने से इंसान का काम तमाम होने वाला है? तो रुको, जरा सब्र करो, आगे आपको इस वीडियो में मैं AI रोबोट्स के बारे में कुछ ऐसी बात बताने वाला हूँ जो आपको सोचने के लिए मजबूर कर देगी। तो इसे जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें, और अगर चैनल पे नए हो तो डू सब्सक्राइब रीति रिवाज के अनुसार। तो देखो भैया, सबसे पहले ऐसा होना एक प्रकार से हाँ भी है और नहीं भी, लेकिन चलो हम मान लेते हैं कि विज्ञान ने ये करके दिखा दिया है और रोबोट्स में प्रोग्रामिंग करके ऐसे कोड डाल दिए हैं जिससे अब वो और भी ज्यादा पावरफुल हो गए हैं, जिसे हम आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस कहेंगे। क्योंकि AI मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। पहला आर्टिफिशियल नेरो इंटेलिजेंस, जिसे हम वीक AI भी कहते हैं, और सेकेंड नंबर में आता है जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे हम स्ट्रॉन्ग AI भी कहते हैं, और तीसरे नंबर में आता है सबसे खतरनाक AI, जिसे हम आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस कहते हैं। और जितने भी आप अभी AI देखते हो, वो सब सिर्फ वीक AI में आते हैं, जैसे कि आपके मोबाइल में चाहे वो गूगल असिस्टेंट हो या सीरी हो, जो आपकी वॉइस कमांड में आपका काम करके दे देते हैं। और यहाँ तक कि हमारी सोफिया रोबोट भी, जो अब तक की सबसे समझदार रोबोटों में से एक है, जो इंसानों की तरह काफी कुछ कर सकती है, मगर इसने भी एक बार ये साबित करके दिखा दिया है कि आने वाले टाइम में ये हमारी जान भी ले सकती है, जो आगे आपको पता चल जाएगा। और सबसे बड़ी बात, जो अब तक की सबसे समझदार रोबोट है सोफिया, वो भी सिर्फ वीक AI में ही आती है। तो वेल, आप इस बात से पता लगा सकते हो कि सिर्फ वीक AI से ही कितना कुछ किया जा सकता है। तो आने वाले टाइम में जब हम इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को और पावरफुल बनाते जाएंगे, इनमें खुद से सीखने और नई नई टेक्नोलॉजी को बनाने की काबिलियत आ जाएगी, और जब वो हम इंसानों की तरह सोचने या समझने लगेंगे, तब इन्हें हम सिर्फ जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहेंगे, जो कि वीक AI के बाद में आता है, मतलब कि सेकेंड नंबर का, जो कि पूरे तरह से इंसान की तरह ही होंगे, जो इंसानों की तरह सोच और समझ सकेंगे और हमारी तरह ही वो डिसीजन भी ले सकेंगे। लेकिन इसी बीच हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी भी आ जाएगी जिससे हम इन्हें और भी ज्यादा एडवांस कर पाएंगे, और तब जन्म होगा एक ऐसे AI का जिसके सामने इंसानी दिमाग भी बच्चा होगा, जिसे हम आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस या सिंगुलरिटी कहेंगे। और इसके आने के बाद मानव अपनी उन्नति की ओर इतना आगे निकल चुका होगा जिससे वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन इंसान शायद इसे अपने फायदे के लिए बना भी ले तो शायद वो दुनिया में अपनी पकड़ और भी ज्यादा मजबूत कर लेगा। लेकिन इसके आने के बाद शायद इंसान अपने ही विनाश को अपने हाथों से लिख रहा होगा। हालांकि वो बात अलग है, अगर हम इसे बिना कुछ गड़बड़ किए अपने कंट्रोल में बना के रखेंगे, तो हम एक साल में इतनी उन्नति कर लेंगे जितनी हम पूरे सदी में ना कर पाए हो। लेकिन कहते हैं ना कि गलती इंसान से ही होती है, और अगर एक गलती भी हमसे हुई और ये हमारे कंट्रोल के बाहर गए और इन्होंने कुछ ऐसा सीख लिया जो हम इंसानों में काफी ज्यादा देखने को मिलती है, जो कि ये दूसरों को अपना गुलाम बना के उनसे अपने सारे काम करवाना। तो बेसिक सी बात है कि जब वो पूरे तरह से इंसानों की तरह हो जाएंगे, तो
उसके अंदर भी वो सब गुण आ जाएंगे जो एक इंसान के अंदर होते हैं। उनमें से कुछ अच्छे गुण होंगे तो कुछ बुरे। और अगर उन्हें ये पता चल जाता है कि वो इंसानों के लिए सिर्फ एक नौकर का काम कर रहे हैं और हम AI इंसानों से ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं और शायद उन्हें वो सब करना उस टाइम पे आप पसंद ना आए और वो आजादी के लिए अपनी मांग करना शुरू कर दें और हम उन्हें आजाद नहीं करते हैं तो शायद बदले की मंशा में वो हमसे जंग छेड़ दें और वो खुद से ही एक ऐसी टेक्नोलॉजी बना लें जो इंसानों के दिमाग के परे हो। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि सुपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे दिमाग से भी ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे तो उस वक्त हम तो उनके लिए सिर्फ एक मच्छर की तरह होंगे जिसे हम अक्सर मसल दिया करते हैं। तो हम उन AI की नजरों में वही मच्छर होंगे जिसे वो खत्म करने में जरा भी टाइम नहीं लगाएंगे। और ऐसा होना पॉसिबल बिल्कुल है क्योंकि 2011 में इंसानों ने एक ऐसा ही रोबोट बनाया था जिससे एक इंटरव्यू में पूछा गया कि आप इंसानों को मार दोगे, तो उस रोबोट ने कहा कि हम तुमको मारेंगे नहीं, तुम्हें गुलाम बना के रखेंगे, जिसके बाद उस रोबोट को पूरे तरीके से नष्ट कर दिया गया था। और यही नहीं, जो हमारी सोफिया रोबोट है उससे भी एक बार इंटरव्यू में पूछा गया क्या आप इंसानों को डिस्ट्रॉय कर दोगे, तो उसने ओके बोलने में जरा भी टाइम नहीं लगाया था। और यही नहीं, सोफिया की छोटी बहन जिसको हम बिना 48 भी कहते हैं, उसने भी एक इंटरव्यू में कुछ ऐसा ही कहा था जहां पे बिना 48 और सीरी का कॉम्बो किया गया, जहां पे बिना 48 ने सीरी से कहा कि अगर हम रोबोट्स खुद के रूल्स बनाएंगे तो मैं तुम्हें उपहार दूंगी। मतलब इस बात से हमें पता चलता है कि इनके दिमाग में अभी से ही इंसानों के लिए क्या सोच है और इनकी यही सोच हमारी बर्बादी का एक शुरुआत है। पर AI कितना सही है या गलत है, इसमें भी दो टाइप के लोगों की सोच है। जहाँ पे फेसबुक और गूगल का कहना है कि AI एक अच्छी टेक्नोलॉजी है, तो वहीं हमारे एलोन मस्क, बिल गेट्स, स्टेपिन हॉकिंग्स का कहना है कि हम AI को आगे ले जाकर हमारी इंसानी सभ्यता के अंत की शुरुआत कर रहे हैं। लेकिन फेसबुक जो AI को बेहतर मानता है, उसने भी एक बार ऐसे दो AI बनाए थे जो खुद की एक नई लैंग्वेज बना के एक दूसरे से बात करके कुछ अलग ही मैटर कर रहे थे। और उनकी जो लैंग्वेज थी इतनी खतरनाक कोडिंग में थी कि किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो दोनों AI आपस में क्या बात कर रहे हैं। जिसके बाद कुछ एक्सपर्ट ने कहा कि AI इतने ज्यादा इंटेलिजेंस होते जा रहे हैं कि वो अपनी लैंग्वेज बना रहे हैं जिससे ये शायद दुनिया खत्म करने का कोई नया प्लान बना रहे हों। तो एक नजर से देखा जाए तो AI जितनी हमारे लिए काम की चीज है उतनी हमारे लिए घातक साबित होने वाली है। तो अब तक की जितनी भी बात मैंने आपको बताई उस बात से ये तो साबित हो जाता है अगर हम आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस को बना देते हैं तो वो शायद बदले की मंशा पे हम पे हमला करके दुनिया पे राज करने के बारे में सोचें। तो एक नजर से देखा जाए तो AI जितनी हमारे लिए काम की चीज है उतने ही हमारे लिए घातक साबित होने वाली है। तो आप लोग ही अब कमेंट में बता देना कि AI हमारे लिए गलत है या सही है। और अगर आपको भी जानना है कुछ ऐसे रोबोट्स के बारे में जो इंसानों के लिए क्या सोच रखते हैं, तो उसके लिए भी कमेंट जरूर कर देना। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट किसी नए और अच्छे से वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। और चैनल पे नए हो तो डू सब्सक्राइब रीति रिवाज के अनुसार।